दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड है और आपको इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है और आप बैंक के चक्कर काट काट के भी परेशान हो चुके हैं और आप बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के अंदर भी ट्राई किए हैं लेकिन आपको कहीं से भी लोन नहीं मिला है, तो मैं आप लोगों के लिए दो नया एप्लीकेशन लेकर आया हूं जो सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिक पर लोन दिया जा रहा है। तो अगर आपको इमरजेंसी में लोन की ज़रूरत है तो इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हैं। एक छोटा लोन एप्लीकेशन है और एक बड़ा लोन एप्लीकेशन है। जो छोटा लोन एप्लीकेशन है इसमें आप 500 से लेकर पूरे 2500 तक आप लोन ले सकते हैं और दोस्तों जो बड़ा लोन एप्लीकेशन है उसमें 5000 से लेकर पूरे 1 लाख तक लोन दिया जाता है। तो अगर आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिक पर, सिर्फ केवाईसी के बेसिक पर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप इस दोनों एप्लीकेशन के अंदर ट्राई कर सकते हैं। आपको 101% लोन मिलेगा और इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट पर पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, 500, 1000, 1500, 2500 तक यहां पर आपको लोन दिया जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है तो यहाँ से आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको 101% लोन मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप पहले भी अप्लाई किए हैं और आपका फॉर्म को जो अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो इस एप्लीकेशन से मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 2 ट्रिक बताऊंगा, उन 2 ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका 101% लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है आइए जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं, ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप, जो कि इस ऐप के मदद से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो यहां पर आपका 100% अप्रूवल होगा। 2 ट्रिक बताऊंगा, इन 2 ट्रिक से आपका 100% लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को आप जैसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू इन इंग्लिश के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, तभी जाकर आपका लोन अप्रूवल होगा। मान के चलिए अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप घर का किसी का भी उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं और वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार का डिटेल्स आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ए लोन विद इन मिनट्स, जो कि मिनट्स के अंदर आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर अलाउ एक्सेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर जितने भी परमिशन मांगेगा सभी परमिशन को यहाँ से आपको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करते हैं यहाँ पर आपको 3 स्टेप में लोन दिया जाएगा, 3 स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम डिटेल्स देना है। तो 3 डिटेल्स को देने के लिए नीचे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक करना है और वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं आपका पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर भी आ जाएगा, नीचे यस सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यस सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड और सेल्फी को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड उसके बाद सेल्फी अपलोड करना है, तो आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करना है। इसके लिए आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे सेल्फी को अपलोड कर
कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनकम डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको इनकम डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर आपका करंट क्या आप काम करते हैं, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय और अदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वही सिलेक्ट करना है आप जो काम करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अनएम्प्लॉय या दोस्तों आप आधार को सिलेक्ट नहीं करना है, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट करना है, तभी जाकर आपको लोन अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, दोस्तों मैं यहाँ पर सैलरीड को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सैलरीड को सिलेक्ट करते ही मंथली इनकम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप कितना कमाते हैं, यहाँ पर आप मंथली इनकम के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आएगा 10,000 और 10,000 से 19,999 या दोस्तों आपका 20,000 अबव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 20,000 के बीच यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आपका 20,000 है तो यहाँ पर और अच्छी बात है, यहाँ पर आप 20,000 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 10 से 20,000 के बीच वाला मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पूरा डिटेल्स निकल कर आ चुका है। यहाँ पर फुल नेम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिलेगा, पैन कार्ड नंबर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप मेल फीमेल देख सकते हैं जेंडर, यहाँ पर आपका आधार कार्ड से एड्रेस भी आ चुका है, यहाँ पर आपको सिटी भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका पिन कार्ड नंबर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टेट भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करना है, मतलब ईमेल आईडी एंटर करना है, CKYC नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और नीचे सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका लोन अमाउंट आ जाएगा 500, 1,000, 2,500 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1,000 लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,000 लोन अमाउंट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। नीचे कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल्स निकल कर आ जाएगा, जिसमें 1,000 मेरा लोन अमाउंट सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर लोन का टेन्योर देखने को मिलेगा, आप कितने दिन के लिए लोन को लेना चाहते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 31 दिन के लिए और 62 दिन के लिए। अगर आप 31 दिन के लिए लोन को लेते हैं तो 1,030 रुपया यहाँ पर आपको पे करना होगा, मतलब दोस्तों 30 रुपया आपका इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप 62 दिन के लिए लेते हैं तो 1,060 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 31 दिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं 31 दिन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग चार्ज देखने को मिलेगा, मेरा बैंक अकाउंट पर कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, 906 रुपया मेरा बैंक अकाउंट पर पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 30 रुपया इंटरेस्ट रेट रहेगा, यहाँ पर टोटल आपको 1,030 रुपया पे करना होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही पूरा डिटेल्स निकल कर आ जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल्स को चेक करना है तो व्यू डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा लोन अमाउंट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बैक आना है, जैसे ही आप बैक आते हैं यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आप लोन अमाउंट किस में लेना चाहते हैं, कौन सा बैंक अकाउंट में, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको बैंक नेम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स आ जाएगा, अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप मेरा हालत देख सकते हैं पसीना से भीग चुके हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही लोन एप्लीकेशन लाता ही रहता हूं। तो इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आप जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका लोन एग्रीमेंट्री पेपर आ जाएगा। ये दोस्तों आपका आखिरी स्टेप है, इस स्टेप को कंप्लीट करते ही आपके अकाउंट पर पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग चार्ज देखने को मिलेगा, GST चार्ज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। आपको सिर्फ दोस्तों 10 से 15 मिनट या दोस्तों जोर से 1 घंटा आपको वेट करना है, आपके बैंक अकाउंट पर पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा लोन एप्लीकेशन है जिसमें आपको बड़े अमाउंट का लोन दिया जाएगा 5,000 से लेकर पूरे 1,00,000 का, उस एप्लीकेशन में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोगों को लोन की ज़रूरत है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है,
5000 लोन, तो मैं आप लोगों को अप्लाई करके बताऊंगा कि 5000 से लेकर पूरे 1 लाख तक आप कैसे सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिक पर लोन ले सकते हैं, और कौन सा एप्लीकेशन है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आपको 101% लोन मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें 5000 लोन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 100% एक वीडियो बताऊंगा जिसमें उसमें आप लोगों को अप्लाई करना और आपको 101% लोन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर पर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।